तो आज की वीडियो जो होने वाली है फायरबोल्ट अलमाइटी के बारे में। दो दिन पहले वॉच आ चुकी थी, तो आज मैं इस वॉच के बारे में आप लोगों के साथ इसका एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि कैसी है ये वॉच और कैसी है इस वॉच की एक्यूरेसी। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ आसिफ, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सबसे पहले हम इसको अनबॉक्स कर लेते हैं और चेक करते हैं कैसी है हमारी वॉच। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फटाफट 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा दो फ्रेंड। तो कुछ इस तरीके का बॉक्स आपको देखने को मिलता है। बॉक्स के ऊपर आपको वॉच की प्रिंटिंग की हुई है। इनबिल्ट वॉइस असिस्टेंट का सपोर्ट भी इस वॉच के अंदर आपको मिल जाता है। एंड बैक साइड की बात करूं तो बैक साइड में भी आपको कुछ फीचर्स देखने को मिलते हैं, जिसको ब्लूटूथ कॉलिंग, SPO2 मॉनिटर, हार्ट रेट मॉनिटर, वॉइस असिस्टेंट, इनबिल्ट स्पीकर एंड माइक का ऑप्शन आपको मिल जाता है इसके अंदर। 11 स्पोर्ट्स मोड के साथ ये वॉच आती है। IP67 का सपोर्ट आपको मिल जाता है। तो चलिए फटाफट इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं और देखते हैं बॉक्स के अंदर हमें और क्या क्या देखने को मिलता है। तो सबसे ऊपर आपको ये वॉच देखने को मिल जाती है फायरबोल्ट की, एंड इसी के साथ आपको मिल जाता है एक मैग्नेटिक चार्जिंग केबल। की क्वालिटी काफ़ी अच्छी आपको मिल जाती है। एंड इसी के साथ आपको मिल जाते हैं कुछ मैनुअल पेपर्स, वारंटी कार्ड मिल जाता है, आपको कुछ सब्सक्रिप्शन के कार्ड मिल जाते हैं, जिसके अंदर आपको जी प्रीमियम सब्सक्रिप्शन मिल जाता है एंड Gaana.com का सब्सक्रिप्शन भी आपको मिल जाता है। तो फटाफट वॉच को हम ऑन कर लेते हैं। तो वॉच हमारी ऑन हो चुकी है। आप देख सकते हो डिस्प्ले की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम दिया गया है इस वॉच के अंदर। आपको बात करूँ इस वॉच के फीचर्स के बारे में, तो काफ़ी तगड़े फीचर्स इस वॉच में आपको मिल जाते हैं। इसके अंदर आपको 1.39 इंच की डिस्प्ले देखने को मिलती है। एम्बुलेट प्लस ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का फीचर्स भी इस वॉच में आपको दिया गया है। और इसी के साथ इसके अंदर आपको 454x454 का पिक्सल रेजोल्यूशन भी देखने को मिलता है, जो कि डिस्प्ले की क्वालिटी को और ज़्यादा इन्हेंस करती है। इसको आप आउटडोर या इंडोर में यूज़ करते हो तो कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं आने वाली। एंड इसी के साथ साथ इसके अंदर आपको ब्लूटूथ कॉलिंग का सपोर्ट भी मिल जाता है, आपको वॉइस असिस्टेंट का सपोर्ट भी देखने को मिलता है। एंड वहीं बात करूँ स्पोर्ट्स मोड की, तो इसके अंदर आपको 11 स्पोर्ट्स मोड मिल जाते हैं, जो कि डेली लाइफ में आपको यूजफुल स्पोर्ट्स मोड होते हैं, वो सारे इस वॉच के अंदर आपको दिए गए हैं। हेल्थ ट्रैकिंग की बात करूँ तो इसके अंदर आपको SPO2, हार्ट रेट मॉनिटरिंग, स्लिप मॉनिटर, BP मॉनिटर जैसे तगड़े फीचर्स भी प्रोवाइड किए गए हैं। वाटर रेजिस्टेंस की बात करूं तो इसके अंदर आपको IP67 का सपोर्ट मिल जाता है। एंड बेसिक फीचर्स की बात करूं तो इसके अंदर आपको म्यूजिक कंट्रोल, कैमरा कंट्रोल एंड स्लिप मॉनिटर, स्ट्रेस मॉनिटर एंड वेदर का सपोर्ट भी इसके अंदर आपको मिलता है। बिल्ड इन क्वालिटी की बात करूं तो इसके अंदर आपको जिंक एलॉय की बॉडी मिल जाती है एंड बैक साइड में आपको पॉलीकार्बोनेट देखने को मिलती है। स्ट्रैप्स की बात करूं तो स्ट्रैप्स की भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी आपको दी जाती है। लेदर प्लस सिलिकन मिक्स करके इसके अंदर आपको स्ट्रैप्स दिया गया, जो कि इसकी क्वालिटी को और ज़्यादा इन्हेंस करती है। आपको पहनने में भी ऐसी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट मटेरियल का ये स्ट्रैप्स बना हुआ है। लेदर के अंदर आपको दो कलर मिल जाते हैं, ब्राउन लेदर भी स्ट्रैप्स देखने को मिलता है, जो कि आफ्टर मार्केट इस वॉच के अंदर आप यूज़ कर सकते हो। तो अब बात करते हैं वॉच UI की। ऊपर से स्वाइप करने पर आपको कुछ शॉर्टकट देखने को मिल जाते हैं, जिसके अंदर आपको ब्राइटनेस एंड सेटिंग का ऑप्शन मिल जाता है। सेटिंग में चेक करें तो सेटिंग के अंदर आपको सारे फीचर्स मिल जाते हैं, जिसके अंदर आपको ब्राइटनेस, डू नॉट डिस्टर्ब, इसके अंदर आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के ऑप्शन की जगह आपको ये स्टैंड बाय डायल मिल जाता है, जिसके अंदर आप ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को यहाँ से आप ऑन और ऑफ दोनों कर सकते हो। नीचे स्वाइप करने पर आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाता है। इसके अंदर आपको ये दो बटन दिए हुए, पहले बटन से आप डायरेक्ट मेन मेन्यू में चले जाते हो, जहाँ पर आपको वॉच के सारे फीचर्स प्रोवाइड किए गए हैं, जिसके अंदर आपको हार्ट रेट, स्ट्रेस मॉनिटर एंड साथ ही साथ इसके अंदर आपको SPO2, अलार्म, म्यूजिक, वेदर का सपोर्ट, डायल पैड, नोटिफिकेशन, स्टॉप वॉच, ये सारे फीचर्स इसके अंदर आपको मिल जाते हैं। दूसरे बटन से आप डायरेक्ट स्पोर्ट्स मोड में चले जाते हो, जहाँ पर आपको ये सारे स्पोर्ट्स मोड मिल जाते हैं, जिसके अंदर आपको आउटडोर रनिंग, ट्रेडमिल, क्लिम्पिंग, वॉकिंग, साइकिलिंग, स्किपिंग, योगा जैसे आपको 11 स्पोर्ट्स मोड इस वॉच के अंदर मिल जाते हैं। एंड राइट से स्वाइप करने पर आपको कुछ शॉर्टकट मिल जाते हैं, जहाँ पर आपको एक्टिविटी डेटा मिल जाता है, जिसके अंदर आपको स्टेप्स काउंट, हार्ट रेट मॉनिटर, स्ट्रेस मॉनिटर, वेदर फोरकास्ट, म्यूजिक कंट्रोल, कैमरा कंट्रोल और एंड डायल पैड आपको मिल जाता है। एंड वहीं लेफ्ट से स्वाइप करने पर आपको डायल पैड मिल जाता है, जिसके अंदर आपको आपकी कॉल हिस्ट्री शो हो जाती है एंड
और यहाँ से आपने नंबर को डायल कर सकते हो। अगर आपको नंबर याद है तो यहाँ पे डायरेक्टली आप नंबर को डायल करके कॉल कर सकते हो। तो वॉच यूआई काफ़ी स्मूथ है इस वॉच की, आपको कहीं भी ऐसी लैग की कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलती है, काफ़ी स्मूथली वर्क करती है इसकी वॉच यूआई। तो फटाफट एक्यूरेसी भी टेस्ट कर लेते हैं और देखते हैं कैसी है इस वॉच की एक्यूरेसी। तो पहले हम चेक कर लेते हैं हार्ट रेट, तो आप देख सकते हो हार्ट रेट की रीडिंग काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट ये वॉच बता रही है। तो फटाफट चेक कर लेते हैं SpO2, SpO2 की रीडिंग भी आ चुकी है, आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा एग्जैक्ट बता रही है वॉच वॉच के अंदर, और आपको ऑक्सीमीटर में सेम रीडिंग देखने को मिल जाती है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कितनी एक्यूरेट है ये वॉच और कैसी है इस वॉच की एक्यूरेसी। तो सॉफ्ट सरफेस का भी हम रीडिंग चेक कर लेते हैं, जैसा कि आप देख सकते हो स्ट्रैप्स को टच करके रखा है तो ये सॉफ्ट सरफेस का भी कोई रीडिंग नहीं देती है। SpO2 भी हम चेक कर लेते हैं, तो देखा आपने SpO2 का भी ये वॉच कोई रीडिंग नहीं देती है। तो अब फाइनली बात कर लेते हैं कॉन्क्लूजन की, तो ये वॉच आपको लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए उसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स बिल्कुल ये वॉच आप ले सकते हो, इस प्राइस रेंज पे आपको काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त फीचर्स देखने को मिलता है इस वॉच के अंदर। सबसे पहले इस वॉच के अंदर आपको जो फीचर्स मिल जाता है, ब्लूटूथ कॉलिंग का सपोर्ट इस वॉच में आपको मिलता है, एंड डिस्प्ले के अंदर आपको एमलेट प्लस ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का फीचर्स मिल जाता है इस वॉच में, जो कि काफ़ी तगड़े फीचर्स मिल जाते हैं इस वॉच में आपको। एंड इसी के साथ साथ इसके अंदर आपको वॉइस असिस्टेंट का सपोर्ट भी मिल जाता है, जो कि काफ़ी ज़बरदस्त फीचर्स आपको प्रोवाइड किया गया है। तो इस प्राइस रेंज पे आपको काफ़ी अच्छे फीचर्स प्रोवाइड किए गए हैं। एंड वहीं बात करूँ एक्यूरेसी के मामले में, ये वॉच आपको काफ़ी सही एक्यूरेसी देती है, चाहे इसके अंदर आप हार्ट रेट एक्यूरेसी टेस्ट कर ले हो या फिर आप इसके अंदर SpO2 टेस्ट करते हो, तो दोनों ही चीज़ों में आपको काफ़ी सही रीडिंग प्रोवाइड करती है वॉच। तो कहीं ना कहीं एक्यूरेसी के मामले में वॉच आपको 90-95% की एक्यूरेसी प्रोवाइड करती है। फायरबोल्ट वालों ने एक्यूरेसी के मामले में अपनी वॉच में काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट किया है, जो कि पहले से काफ़ी अच्छी एक्यूरेसी आपको अब इस वॉच में देखने को मिली है। सो होप करता हूँ फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फटाफट 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा दो फ्रेंड्स। आगे भी आप लोगों के लिए ऐसे कंटेंट लाता रहूँगा। तो मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।